सीक्रेट रूल ऑफ स्टेइंग मोटिवेटेड। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्लाउडिया एम म्यूलर ने एक स्टडी कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट्स को लिया और उनसे पजल सॉल्व करने को कहा। और ये पजल्स बहुत ही चैलेंजिंग पजल्स थे। और जब स्टूडेंट्स का टाइम खत्म हुआ तो इंस्टेड ऑफ शोइंग स्टूडेंट्स द एक्चुअल रिजल्ट्स, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ए प्लस की ग्रेड दी और हाफ स्टूडेंट्स को सेपरेटली बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज यू आर स्मार्ट एंड गिफ्टेड, थैंक यू। वही दूसरी तरफ दूसरे हाफ स्टूडेंट्स को बताया कि तुम्हारी हार्डवर्क से ही ये पॉसिबल हुआ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर हार्डवर्क। और इसके बाद स्टूडेंट्स को 3 टाइप्स ऑफ पजल्स दिया गया, इजी, मीडियम और बहुत हार्ड वाले। और पता है इसका आउटकम क्या आया? जिन बच्चों को स्मार्ट और गिफ्टेड बोला गया था, वो लोगों ने अपना मैक्सिमम टाइम इजी पजल्स को ही सॉल्व करने में लगा दिया और बहुत हार्ड वाले पजल तक कभी बढ़े ही नहीं। और ओवरऑल दे स्पेंट लेस टाइम इन देयर वर्क एंड दिस शोज देयर डीमोटिवेशन। एंड आफ्टर दैट व्हेन प्रोफेसर आस्क्ड देम कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, तो वो लोगों ने सिर्फ ये की जवाब दिया कि उतना मजा नहीं आया। दूसरी तरफ हार्ड वर्क करने वाले बच्चों ने अपना मेजॉरिटी टाइम चैलेंजिंग पजल्स को दिया और देखते ही देखते अपने सारे पजल्स कंप्लीट कर डाले और ढूंढने लगे कि और पजल्स है क्या, विच शोज इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। और जब प्रोफेसर ने पूछा कि कैसा लगा, तो उन्होंने कहा मजा आया, आई जस्ट एंजॉयड इट अ लॉट। तो इससे क्या समझे? एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल, विच इज सिंपली द डिग्री टू विच यू बिलीव यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। क्योंकि एक तरफ स्मार्ट और गिफ्टेड बच्चा एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपना सक्सेस की वजह मान रहा था और अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल लेने से कतरा रहा था, इसलिए इजी पजल्स तक ही रुक गया। पर दूसरी तरफ हार्डवर्क वाला बच्चा अपने आप को और अपनी हार्डवर्क को ही मानता था और अपने ऊपर बिलीव करता था कि हाउ मच वर्क यू पुट इन टू समथिंग इज समथिंग दैट यू हैव कम्प्लीट कंट्रोल ओवर। इसलिए वो अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को वजह मानता था और वो हमेशा एक्शन लेता था ताकि वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके। और इसका सिंपल आंसर है, हैविंग द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज द की टू स्टेइंग मोटिवेटेड। और हम सब लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे रिजेक्शंस, फेलियर्स, प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म देखते ही हैं, तो इन सब के बावजूद आखिर कैसे अपने इंटरनल लोकस कंट्रोल को समझा जाए? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है बाय सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स और अपने फेलियर को एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जिससे आप खुद को बेस्ट वे में ग्रो कर सकोगे। तो याद रखो, फेलियर्स तो बस एक मोटिवेशन है, अपने मिस्टेक्स को जानो और उन्हें सुधारो और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। चलिए एक स्किलफुल नेशन बने। हैव अ ग्रेट डे।